अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ फरहान परवेज, दिस इज़ राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एकदम मजे में होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास आए हैं। इस वीडियो का नाम है कोलकाता वर्सेस ढाका सिटी ट्रैफिक, ढाका कंपैरिजन, हु इज द बेस्ट। देवेंद्र पॉल, दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय देवेंद्र पॉल। देवेंद्र पॉल ने हमें सेंड करिए। कलकत्ता पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, ढाका जो है बांग्लादेश में, उस पर हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने इंडिया के सिटीज पे रिएक्ट किया है। तो अभी देखते हैं ढाका वर्सेस कोलकाता के ट्रैफिक का सिर्फ कंपैरिजन है, ये कैसा है। मेरे ख्याल से क्या लगता है तुम्हें, ढाका तो वैसे कैपिटल है बांग्लादेश का, और ये कोलकाता तो कैपिटल नहीं है, ये तो एक स्टेट का कैपिटल है। लेकिन कोलकाता का ज़्यादा होगा यार ट्रैफिक। नहीं, ट्रैफिक का तो ज़्यादा होगा ट्रैफिक, हाँ इंडिया की पॉपुलेशन, बांग्लादेश की पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है। सही बात है, वो अपने साइज के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इंडिया का साइज भी तो बड़ा है ना, वो इस वजह से देखते हैं वीडियो के बाद, देखते हैं कंपेरिजन भाई कैसा लगेगा, लगता है ये। और थैंक यू सो मच देवेंद्र पॉल की आपने वीडियो में रिक्वेस्ट करी, एंड वी आर नाउ गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेक श्योर टू सपोर्ट दी ओरिजिनल क्रिएटर। और अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, ठोको सब्सक्राइब। चलें रिएक्शन स्टार्ट कर दें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ढाका वर्सेस कोलकाता के ट्रैफिक सिस्टम की, जहाँ पे ये दोनों शहर के बीच काफी कुछ सिमिलर है। आखिर क्यों ये दोनों शहर के बीच इतना कुछ सिमिलर होने के बाद कोलकाता में बंगाली ज्यादा है ना, और कोलकाता में ट्रैफिक स्मूथ है। हम कुछ बेसिक पॉइंट पर इन दोनों सिटीज के बीच कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमें साफ पता चलेगा इन दोनों शहर के बीच कितना अंतर है। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि मेरे पास ढाका की लिमिटेड फुटेज होने के वजह से मैं ढाका की ज्यादा वीडियोस यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। सबसे पहले तो दोनों शहर के बीच कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है, और यहाँ की कुल आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का राजधानी शहर है, और यहाँ की आबादी करीब 60 लाख के आसपास है। ढाका यहाँ पे देश का राजधानी है, पश्चिम बंगाल भी लगभग बांग्लादेश के बराबर है, तो कोलकाता को हम ढाका के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। दोस्तों यहाँ पे किसी भी शहर के लिए घंटे पर घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना हम में से किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन चाहे या ना चाहे हमें कभी कभी ये भुगतना होता ही है। बात करें अगर ढाका की, तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लोग 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिस वजह से साल में से करीब 1 महीना इस ट्रैफिक के वजह से ही निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, साल में 1 महीना ढाका की पॉपुलेशन को ज्यादा। अलावा ढाका के आसपास के मेट्रोपॉलिटन एरिया से लाखों लोग रोजाना शहर में आते हैं, फिर रिटर्न भी जाते हैं, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा ढाका में ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट कार का यूज करते हैं, जिसमें बाइक एंड स्कूटी भी शामिल है। बाहर के स्टेट लेवल बसेस भी बहुत ज्यादा चलती है, इतना गाड़ियां और लोगों की वजह से ट्रैफिक और स्लो हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, सिटी स्ट्रीट। ढाका शहर की कुछ एरिया प्लान्ड नहीं है, जिस वजह से प्रॉपर प्लानिंग करके सड़क नहीं बनाए गए हैं, और बहुत सारे जगह पे सड़क की बहुत ही नैरो है। वही पुराने कोलकाता की कुछ एरिया अनप्लान्ड होने के बाद भी सड़क बहुत ही वाइड है। कुछ सर्वे की रिपोर्ट की माने तो ढाका की रोड कंडीशन खराब है, और शहर के अंदर रोड्स की भी कमियां हैं, जो एक बड़ा फैक्टर है ट्रैफिक जाम की। वही कोलकाता से अगर कंपेयर करें तो शहर के अंदर रोड्स की कंडीशन अच्छा है, रोड्स भी ज्यादा है, या तक कि ट्रैफिक को कम करने के लिए बाईपास भी बनाए गए हैं, ताकि कोई जगह पर ह्यूज ट्रैफिक ना जमा हो जाए। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अनुसार बांग्लादेश में 2nd सबसे खराब रोड कंडीशन है। आउट ऑफ 7 में ढाका को 3.1 स्कोर मिला है, एंड 2.9 ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिला है। शहर के अंदर चलने वाले मोर देन 90% बसेस ट्रैफिक रूल्स को यहाँ पे मानता ही नहीं है, और इस वजह से हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्लाई ओवर। ये तो हुआ, शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाई ओवर एक अच्छा सलूशन है, वो भी जैम है। ढाका में फ्लाई ओवर की कमियां हैं, पिछले 16 सालों में ढाका में सिर्फ 7 फ्लाई ओवर बने हैं। वही कोलकाता में ढाका से कई गुना ज्यादा फ्लाई ओवर मौजूद है, और इनमें से कई सारे लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर भी है। आने वाले दिनों में करीब 8 फ्लाई ओवर शहर के अंदर बनने वाले हैं, और इनमें से एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन। ढाका में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमियां है, बहुत बेहतर है कोलकाता। ढाका में स्टेट लेवल बस, सिटी सर्विस बस, ऑटो, रिक्शा, फेरी सर्विस अवेलेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमियों के वजह से ज्यादा प्रेशर इन सर्विसेज पर पड़ता है, जिसका रिजल्ट है ट्रैफिक जाम। अगर हम कोलकाता की तरफ देखें तो कोलकाता में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बसेस हैं, टैक्सी, ऑटो, फेरी, ट्राम, कोलकाता सबर्बन रेलवे, मेट्रो सर्विस अवेलेबल है, जिस वजह से शहर के लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैफिक मूवमेंट भी स्मूथ रहता है।
ढाका की तरह कोलकाता में भी शहर के आसपास से लाखों लोग शहर में आते हैं एंड रिटर्न भी जाते हैं। लेकिन कोलकाता सबर्बन रेलवे के वजह से, जिसे लोकल ट्रेन कहते हैं, इस लोकल ट्रेन से ही ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जो ढाका में लोग नहीं कर पाते। कोलकाता मेट्रो भी एक बड़ी वजह है कोलकाता में ट्रैफिक जैम ना होने का। शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए मेट्रो से ज्यादा कम्फर्टेबल जर्नी और कोई नहीं है। ढाका में अभी तक कोई मेट्रो नहीं बनी है और पर ढाका मेट्रो का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शायद और कुछ समय के अंदर ढाका में मेट्रो को भी लोग चलते हुए देख पाएंगे और इससे पर्टिकुलर कुछ एरिया के लोग ट्रैफिक जैम से छुटकारा पाएगा। पॉइंट नंबर 5, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ढाका ट्रैफिक की कंट्रोल ढाका ट्रैफिक पुलिस के अंडर है, जो पूरी तरीके से फेल्ड है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। ढाका के अंदर बस, प्राइवेट कार, बाइक, ऑटो, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक रूल्स को यहाँ पे मानता ही नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग विदाउट लाइसेंस भी गाड़ियाँ चलाते हैं। इस वजह से कई दिनों तक ढाका के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी हुआ था। ढाका में काफी सारे गाड़ियाँ बहुत ही लापरवाही की तरह चलाते हैं, जिस वजह से आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पे होता ही रहता है। लोग फुटपाथ के बदले सड़क से जाना ज्यादा पसंद करते हैं, यह तक कि जल्दी जाने के लिए बाइक भी फुटपाथ वे से चलने लगता है। ढाका ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे एक्शन ना लेने के वजह से और जिसका रिजल्ट है घंटे पर घंटे ट्रैफिक जैम। अगर हम कोलकाता के तरफ देखें तो कोलकाता के ट्रैफिक कंट्रोल करता है कोलकाता ट्रैफिक पुलिस। जहाँ ढाका में ट्रैफिक पुलिस लीगल एक्शन नहीं लेता है, वही कोलकाता में पुलिस ज्यादा एक्शन में दिखता है। कोलकाता में कोई भी गाड़ी अगर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता है तो तुरंत उस पर फाइन लगता है और मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। इसलिए कोई भी गाड़ी जानबूझ के यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करता और ऐसे भी शहर में ज्यादातर लोग नॉर्मल ड्राइविंग करता है। सेकेंड, ढाका ट्रैफिक पुलिस के पास ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट नहीं है जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आसान हो। वही कोलकाता पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट मौजूद है और पूरे शहर में करीब 20,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसके सहारे और बेहतरीन तरीके से कोलकाता पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिक्शा। बहुत ही स्लो मूवमेंट होने वाली ये रिक्शा पूरी ढाका शहर में चलती है, जिस वजह से ढाका को रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। बहुत ही स्लो चलने के कारण ढाका में और ज्यादा ट्रैफिक जम लगता है। वही कोलकाता के कुछ केंद्रों के अंदर ये रिक्शा चलती है, लेकिन शहर के राजपथ पर इसे चलना अलाउ नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे कारणों की वजह से ढाका में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना होता है। ढाका में ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ करना है तो एक मास्टर प्लान की जरूरत है, जिसमें बहुत सारा पैसा और समय लगेगा। ये मेट्रो बस नहीं है, जहां ढाका में लोग घंटे पर घंटे वेट करना होता है, जिस वजह से साल भर 11.4 बिलियन की लॉस होती है। हर एक मेट्रोपोलिटन सिटीज में ट्रैफिक जैम तो होती ही है, कोलकाता में भी होती है, लेकिन रश आवर में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट तक। तो इन सारे पॉइंट से हमें पता चला है क्यों कोलकाता में ट्रैफिक स्मूथ और ढाका में ट्रैफिक जैम लगता है। दोस्तों, ढाका के बारे में बताए गए सारे इनपुट्स को मैंने यहाँ पे बांग्लादेश के मीडिया हाउस से कलेक्ट किया है। अगर हो सके तो सारे एक्सटर्नल लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मैं शेयर करूंगा। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियोस देखना है तो नीचे आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छी थी यार। लेकिन ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, एक कंट्री का कैपिटल है। कलकत्ता कंट्री का कैपिटल थोड़ी है। और फिर वो इतना एडवांस, हाँ वो फिर इतना एडवांस है। और मैं हैरान हूँ, हैरान तो ये कि फ्लाईओवर नहीं बनाए हुए जब इतना 16 साल में, लास्ट 16 इयर्स में फ्लाईओवर्स नहीं बनाए हुए यार। 7-8 फ्लाईओवर्स बने लास्ट 16 इयर्स में और कलकत्ता उस पर भी जैम लगा हुआ है। तो 6-7 फ्लाईओवर से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा भाई यार। ये ट्रैफिक देख तो भाई, ढाका को देखो, ये कलकत्ता को देखो, वो देखो उसमें मेट्रो के वो ब्रिज है, मेट्रो ट्रेन का ब्रिज है या मेट्रो बस का ब्रिज है। यहाँ मेट्रो बस ही नहीं है कोई, और मेट्रो बस नहीं है और वो भी नहीं है, मेट्रो ट्रेन भी नहीं है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और यहाँ वो पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज की नहीं है। यहाँ पे फेरी भी चलती है कलकत्ता में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा, ऐसा ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। और नहीं, टू बी सीरियस, लेकिन इसको सोचना चाहिए ढाका बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। 11 बिलियन का ईयरली लॉस होता है ये बता रहा है ट्रैफिक की वजह से। वो तो उस फैक्ट पे इतनी हंसी आई कि एक महीना ट्रैफिक में निकल जा रहा है साल 12 महीनों में से, इतना जैम लगता है। 3 घंटे का डेली अगर लग रहा है, 3 घंटे का जैम डेली बेसिस पे, बहुत बड़ा लॉस है भाई। अगर 3 घंटे आप रोज ट्रैफिक जैम में गुजार रहे हैं तो समझे आपके एक हफ्ते में एक दिन हो गया है। एक हफ्ते में एक दिन आपने ट्रैफिक जैम में गुजार लिया बस।
और दूसरा ये यहाँ पे कल इनकी पुलिस सर्विस बहुत अच्छी है, लोग ओबीडियंट हैं, सुन लेते हैं। 20-22 हज़ार तो वो लगे हुए सीसीटीवी कैमरा क्लोज सर्किट, उसके बाद फिर वो उससे कवर कर लेते हैं। और ये जो यहाँ ढाका में तो वो कह रहे हैं कि यहाँ बाइकें फुटपाथ पे चल रही हैं, फिर वो बोल रहा है कि ये भी नहीं देखते हैं क्या कहते हैं रूल्स वगैरह को, तो फॉलो करते ही बगैर लाइसेंस की गाड़ियाँ निकाल देते हैं रोडों पर। भाई दिलेर लोग हैं वैसे, ये भी ऐसी बात यार। ये वीडियो देख के, हालांकि ये वीडियो बड़ी संजीदा है, लेकिन हमें देख के ना हंसी आ रही है यहाँ के रूल्स ये कैसे। नहीं, क्यों हंसी इस बात पे आ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है ये। यार ऐसे बहुत से शहर हैं पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं ऐसे शहर जिनका ढाका जैसा हाल हो, लेकिन बात ये ढाका कंट्री का कैपिटल है और उसको नाम इतना दिमाग। आप इस्लामाबाद जाएं ट्रैफिक जैम ही नहीं होता वहाँ, जीरो ट्रैफिक जैम है वहाँ, जीरो कभी भी ट्रैफिक जैम ही नहीं। कोई ऐसा मतलब इंडिपेंडेंस डे हो गया, कोई स्पेशल डे हो गया, ईद हो गई, त्यौहार कितने आ गए, आज तक वहां पे जैम नहीं लगा होगा। इस्लामाबाद में जैम ही नहीं, लंबी लंबी है उसकी, इतनी मेट्रो बसेस हैं, अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, बेहतरीन, और रोड कैसे हैं, बेहतरीन रोड है भाई, और बहुत जबरदस्त सीसीटीवी कैमरा, आई मीन इट्स आउटस्टैंडिंग इस्लामाबाद जो है। खैर हमारे पास अल्फाज शब्द खत्म हो गए, शब्द का विनाश हो गया यार। ये वीडियो खैर अच्छी थी, देवेंद्र पॉल हमें तो अच्छी लगी भाई, वीडियो बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। ये नीचे जो वीडियोज़ आ रही हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर रिएक्शन पसंद आया तो। जिन वीडियोज़ पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें फेसबुक पेज पे उसका लिंक और टाइटल ज़रूर प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।